हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग गोल्स। दिस इज दिशा। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के लिए बेबी रूटीन क्यों जरूरी है एंड टॉप 10 एडवांटेजेस ऑफ बेबी रूटीन। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन टू सी दी नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। चलिए, तो आपसे मैं आज बात करने वाली हूँ बच्चों के लिए बेबी रूटीन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम वर्ड रूटीन से क्या समझते हैं। इट्स नॉट मिलिट्री प्रोसीजर, इट्स 1x1 एक्टिविटी। बच्चों के रूटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनका नैप टाइम, स्लीपिंग टाइम, बाथ टाइम, मील टाइम, मसाज टाइम, प्ले टाइम, ये सारी एक्टिविटी ऑल टुगेदर हम एक दिन में तभी कर सकते हैं अगर हमने अपने बच्चे का रूटीन सेट किया है। और ऐसा रिसर्च कहती है बच्चों को अपने रूटीन में रहने में बहुत मज़ा आता है, और अगर आप किसी भी टाइम पे कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चे से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना है, एक उन्हें नॉर्मल लाइफ देनी है, कॉन्फिडेंट लाइफ देनी है, हेल्दी लाइफ देनी है, कम्फर्ट देना है, कंसिस्टेंट लाइफ देनी है। इसके लिए हमें बच्चों के बेबी रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। और बेबी रूटीन आपके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके नैप टाइम में, स्लीप टाइम में आप भी अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। तो बेबी रूटीन आपके लिए और बेबीज़ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, अब मैं आपसे बात करती हूँ बच्चों टॉप 10 एडवांटेजेस ऑफ बेबी रूटीन। फर्स्ट एडवांटेज इसका है टू मेंटेन द बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक कैसे मेंटेन रहेगी, अगर बच्चे ने टाइमली सोया है, टाइमली उठा है, नैप प्रॉपर लिया है, तो वो खेलने के टाइम पे एक्टिव रहेगा, खाने के टाइम में वो खाना खाएगा, सोने के टाइम सोएगा, उसका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, उसके बॉयल मूवमेंट रेगुलर रहेगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, तो ऐसे बच्चे की बॉडी क्लॉक मेंटेन रहेगी। सेकेंड एडवांटेज, जब बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं अगर वो रूटीन में रहते हैं, वो सारी एक्टिविटी अपनी करते हैं, और आगे चल के भी बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम पे खाया है, टाइम पे खेला है, टाइम पे होमवर्क किया है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप बचपन से ही हो जाता है। थर्ड है, हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव हैबिट डेवलप होती है क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली मील ली है, प्रॉपरली नींद ली है, उन्होंने हर एक्टिविटी की है, फिजिकल मेंटल ग्रोथ हुई है, खेलने के टाइम पे खेले हैं, तो उनकी हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव हैबिट डेवलप होती है। फोर्थ है, फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। आप उसके मील टाइम में उसका साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उसके नैप टाइम पे भी उसको सोने दे रहे हैं, उसके प्ले टाइम पे उसके साथ खेल रहे हैं, तो आपके और उसके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं उसके साथ, तो ऐसे बच्चों की और आपकी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। फिफ्थ है, बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं क्योंकि उन्होंने सब काम टाइम पे किया है, तो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। सिक्स्थ, बच्चे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते हैं क्योंकि उनका बेबी रूटीन सेट है। सेवेंथ है, बच्चे काम रहते हैं, कामनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिविटी के लिए, एक पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव थॉट्स को इनवाइट कर सकता है, और आज की डेट में पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चे काम रहते हैं। एक पॉइंट ये है कि बच्चे में एक्साइटमेंट डेवलप हो जाता है, उन्हें हर चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अगर आप एक रूटीन से हट के कुछ फेस्टिवल के दिन या संडे के दिन कुछ अलग स्पेशल प्लान कर रहे हैं तो उन्हें उसका एक्साइटमेंट होता है, वो खुश होते हैं। और नाइन्थ पॉइंट ये है, बच्चों मैनेजमेंट स्किल आ जाती है, उन्हें हर चीज़ मैनेज करना आ जाता है कि मुझे थोड़ा सा कम टाइम जल्दी जल्दी खाना खाना है या कम खेलना है, आज ये होमवर्क करना है या कोई लेसन प्रिपेयर करना है, उनके अंदर नई एक्टिविटी डेवलप होती है। ये स्कूलों में भी बच्चों में अच्छा रहता है और ऑफिस में भी ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो बेबी रूटीन अगर आप अभी से सेट कर रहे हैं तो उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो जाती है। टेंथ पॉइंट ये है कि बेबी रूटीन में रहने से बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, उनकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हर चीज़ बहुत ज़्यादा याद रहती है, तो उनकी मेमोरी शार्प करने के लिए आपको बेबी रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है ये मेरा वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है, उससे आप शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।